गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने अब तक 14 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आपने सब कुछ अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी कर लिया होगा। आज हम लास्ट लेसन करेंगे कानन वन्नी उत्सव। इसमें वन मतलब होता है फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। तो वन फॉरेस्ट में कौन होता है? पशु पक्षी, जो जंगली जानवर और पक्षी होते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो लोग होते हैं। तो वो लोग भी वहाँ बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। जिस तरह आप स्कूल में पढ़ते हो, घर पे अपनी पढ़ाई करते हो, वैसे ही वो लोग भी करते हैं वन में। तो यहाँ इस लेसन में हमको यही सब बताया गया है। हम इस लेसन को रीड भी करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करूंगी, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 15। लेसन नंबर 15 कानन वन्नी उत्सव। उत्सव माने त्योहार, फेस्टिवल जो हम होते हैं, समारोह, कोई ओकेजन करते हैं उसको कहते हैं उत्सव। कोई भी ओकेजन किया, जैसे हमने पार्टी की तो वो भी एक समारोह हुआ, किसी की शादी है, सगाई है, वो भी एक उत्सव हुआ। हम जहाँ गैदरिंग होती है उसको कहते हैं उत्सव। जैसे हमारे स्कूल में भी बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, ओकेजन होते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, एनुअल फंक्शन। तो ये सब जो फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं उत्सव। उत्सव मीन्स समारोह। कोई भी चीज का समारोह होता है, आयोजन होता है, तो बहुत सारी गैदरिंग इकट्ठी होती है, सब बहुत एंजॉय करते हैं। ये चीज इस लेसन में बताई गई है, ये फॉरेस्ट में आयोजन हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सूरज नित्य नियम से, नित्य माने रोज, हमेशा किरणों से नहलाता है और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। शीतलता मतलब ठंडक। तो सूरज जैसे रोज रोज अपनी किरण, सूरज की जो रेज आती है, जो सन की रेज होती है, उसे हिंदी में कहते हैं किरण। जिस तरह सूरज की जो रोज किरणें आती है वो हमको नहला देती है, उजाले से हम नहा उठते हैं। रात का अंधेरा दूर होता है और उजाला आता है। उसी तरह चांद भी जब नीले नीले आसमान में आता है और हमको ठंडक देता है। जब चांद आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अब दिन चला गया, अब रात आई और बहुत ठंडापन आ जाता है, मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है। कानन वन की पाठशाला में सभी जानवर प्रातः सभा का गीत गा रहे थे। ये गीत जो हमारे यहाँ भी आपके स्कूल में भी रोज असेंबली होती है, ये कानन वन। कानन जो है एक फॉरेस्ट का नाम है, कानन। कानन वन, वन मतलब फॉरेस्ट। वहाँ की पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, स्कूल में सब जानवर जो है
बहुत जोश के साथ मिलजुल कर उसमें हिस्सा लेते थे और हर एक एक्टिविटी का पूरा आनंद लेते थे। जिस तरह आप अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है उसका भरपूर एंजॉय करते हो, हर व्यक्ति हर स्टूडेंट उसमें पार्ट लेने की कोशिश करता है, वैसे ही फॉरेस्ट की जो स्कूल थी उसमें सभी जानवर मिलजुल कर काम करते थे और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते थे। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों पर
तीन या चार तितलियां ऐसे कमरों में मंगनी चिपका रखी होगी, उससे दीवार बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो वहां पर कुछ तितलियां बैठ गई। बंदर, खरगोश और मधुमक्खी खाने पीने का इंतजाम देख रहे थे। अब जब फंक्शन है तो खाने पीने का भी इंतजाम होगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो खाने पीने का इंतजाम कौन कर रहा था? बंदर, खरगोश और मधुमक्खी। जो बीस होती है हनी बीस, वो खाने के लिए स्वादिष्ट शहद, केले, अंगूर, गाजरें मेजों पर सजा दिए गए थे। खाने के लिए क्या क्या था? एक तो शहद, मधुमक्खियां जो शहद बनाती है वो इकट्ठा करके आ गया शहद। इसके अलावा केले, अंगूर और गाजर सब ने वो इकट्ठे किए और लाकर टेबल पर सजा दिए। एक और कुछ घरों में पीने के लिए गन्ने का रस भी रखा था। जो पीने के लिए ड्रिंक्स भी होते हैं तो वहां पर गन्ने का रस मटकों में रख दिया। वन के सभी जानवर कार्यक्रम देखने पहुंच गए थे। सारे जितने भी एनिमल्स थे फॉरेस्ट में, सब लोग प्रोग्राम देखने आ गए। लाल रंग की जैकेट में सजे शेरों ने माइक संभाल लिया। जो शेर था वो माइक पर अनाउंसमेंट करने के लिए आ गया। मुख्य अतिथि के नाम की घोषणा के साथ उत्सव शुरू हुआ। मुख्य अतिथि मीन्स चीफ गेस्ट, कोई भी प्रोग्राम होता है उसके लिए एक चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं बाहर से। तो मुख्य अतिथि के नाम की सबसे पहले घोषणा की जाती है। तो वो घोषणा हुई, उसके साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। भानु सर ने स्टूल पर चढ़कर ऊंट दादा के गले में माला पहनाई। भानु सर जो थे उन्होंने चीफ गेस्ट कौन बना था? ऊंट। तो भानु सर ने जो है वो स्टेज पे चढ़े और ऊंट के गले में माला पहनाई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सब ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। जैसे ही चीफ गेस्ट आए सब ने तालियां बजाई और उनका वेलकम किया। स्वागत मतलब वेलकम, उनका स्वागत अच्छे से ताली बजाकर सब ने किया। अब बारी थी मनोरंजन की। प्रोग्राम शुरू होता है, सबको एंटरटेन मिलता है, एंटरटेनमेंट। तो मनोरंजन अब चालू होने ही वाला था। शेरों ने सबसे पहले मोर के नाम की घोषणा की। सबसे पहले मोर सबसे सुंदर होता है और उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो शेरों ने सबसे पहले ये घोषणा की कि सबसे पहले आएगा मोर। मुकुट लगाए मोर मंच पर आया और रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य किया। मोर जो है वो मुकुट लगाकर आया, उसके सिर पर जो कलगी होती है उसे कहा जाता है मुकुट। मुकुट लगाकर मोर आया और रंग बिरंगे पंख फैलाकर डांस करने लगा। नृत्य मतलब नाच, डांस। उसकी नृत्य ने सबका मन मोह लिया। उसने इतना सुंदर डांस किया कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। मन मोह लेना सबको खुश कर देना। ये देखो आपको मंच दिख रहा है, यहाँ पे गिलहरी दिख रही है और खरगोश दिख रहा है, कौवा दिख रहा है, यहाँ हाथी दिख रहा है, ऊंट दिख रहा है, मोर दिख रहा है और चिड़िया दिख रही है। तो सब लोगों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके बाद मोर का डांस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गिलहरी, हिरण और लोमड़ी ने नाटक प्रस्तुत किया। हिरण, बिलहरी, स्पैरल और लोमड़ी इन्होंने मिलकर एक नाटक किया, स्किट किया। नाटक बहुत रोचक था। रोचक जो बहुत मन को अच्छा लगे, रोचक मैंने बहुत सुंदर। नाटक बहुत ही अच्छा था। बिल्ली के चुटकुले सुनकर सभी दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बिल्ली ने सबको चुटकुले सुनाए। चुटकुले मतलब जोक्स। बिल्ली ने सबको जोक्स सुनाए। जोक्स सुनकर सबको इतना हंसी आई, सब हंसते हंसते लोटपोट
सबने सहयोग दिया है, इसीलिए ये कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। शेरू ने सभी से खाना खाने के लिए चलने का अनुरोध किया। अनुरोध करना मतलब रिक्वेस्ट करना। शेरू ने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप सभी लोग खाने की टेबल पर चलिए और सब लोग खाना ले लीजिए। सब ने बढ़िया खाने की चीजों का आनंद लिया। इस तरह खुशी खुशी कानन की पाठशाला का उत्सव समाप्त हुआ। सब लोगों ने बहुत अच्छे खाने का बहुत आनंद लिया। इस तरह से जो वन में कानन वन की जो स्कूल थी उसने कार्यक्रम जो एनुअल फंक्शन था वो पूरा हुआ और सब ने बहुत मजा लिया। जिस तरह आप लोग भी अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन का अच्छे से आनंद लेते हो, कोई पोयम बोलता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई स्किट करता है, कोई पजल पूछता है, उसी तरह कानन की स्कूल में भी जानवर और पक्षियों ने यही सब कार्यक्रम किया था और सब ने बहुत एंजॉय भी किया। तो आप सब ने भी लेसन पढ़ के अपने वार्षिक उत्सव को याद किया होगा और लेसन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ये लेसन अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू।